सो हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RVSN में हिंदी। और जैसे तुमने थंबनेल और टाइटल देखा है, आज हम लोग बात करेंगे वन पीस के यूनिवर्स की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल गॉड डैम हॉट सेक्सी कैरेक्टर बोआ हैनकॉक के बारे में। और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर भी है वन पीस के यूनिवर्स में। शायद मैं इसे तो बिग मॉम के बाद अगर कोई फीमेल क्रू है तो वो बोआ हैनकॉक का ही होगा वन पीस में, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट में आता होगा ये मैं मानता हूँ। और इसके अलावा कोई फीमेल कैरेक्टर इसके आसपास नहीं नज़र आती है सिवाय बिग मॉम को छोड़ करके, ठीक है। तो बोआ हैनकॉक जो है, मतलब यार कुछ भी बोलो, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है। तो आज हम लोग जो इसके खूबसूरती के बारे में बात नहीं करेंगे। और हाँ, चिंता मत करो, अगर तुमने जो बोआ हैनकॉक का नाम पहली बार सुना है तो वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा कि बोआ हैनकॉक कौन है शॉर्ट में। तो स्पॉइलर की चिंता मत करो, बिंदास होकर के वीडियो देखो। तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे बोआ हैनकॉक कितनी ज़्यादा पावरफुल है। इसके बैक स्टोरी पे नहीं जाएंगे, वरना बहुत हो सकता है कि तुम्हें स्पॉइलर मिल जाए तो वो अच्छा नहीं रहेगा। सिर्फ हम लोग बात करेंगे वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर ये वीडियो जो तुम्हें पसंद आए तो बोआ हैनकॉक के लिए यार लाइक कर देना, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, मुझे पता है मैं एक घंटे से सिर्फ रिटेक पे रिटेक ले रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब बोल ही नहीं पा रहा था कुछ भी। मैं इसको देख के, इसका फोटो देख के ही मैं बेहोश हो गया। ये जिस तरह से ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, मेरे से सांझी वाला हाल हो गया था, समझ गया। तो इसलिए यार बोआ हैनकॉक के लिए लाइक तो ज़रूर करना। साथ ही जो अगर तुम इस चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हारे पास पहले नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो आओ यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने कान में ईयरफोन डाल लो। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं बोआ हैनकॉक कौन है। तो बोआ हैनकॉक कौन है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। बोआ हैनकॉक जो अमेजोन लिली में रहती है और वो कूजा पायरेट की कैप्टन है, ठीक है। कूजा पायरेट क्या है, वहाँ पर सारे के सारे फीमेल रहते हैं। और हाँ, अमेजोन लिली में भी फीमेल का कब्जा है, वहाँ कोई लड़का कोई मर्द वहाँ नहीं जाता है। और वहाँ पर जो सभी के सभी ना मर्दों को हेट करते हैं। लाइक अगर तुमने वंडर वुमेन देखा है ना, एकदम सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है। और वहाँ की ये एम्प्रेस है, हाँ ये पायरेट एम्प्रेस है और अमेजोन लिली की ये रानी है तुम कह लो। और इसके पास जो है, मतलब यार ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत है ना, मैं क्या बोलूँ। इसको देख करके मुझे सिर्फ इसकी खूबसूरती के बारे में बात करने का मन कर रहा है, ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और खुद अगर तुम्हें लगता है कि मैं ज़्यादा पागल हो रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि खुद ओडा ने ये रिवील किया था कि जब वो बोआ हैनकॉक को ड्रॉ करते थे ना, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। क्यों होती थी उनका, इन्होंने रीज़न बताया, क्योंकि जब भी ये बोआ हैनकॉक को ड्रॉ करते थे ना, तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ रहता था कि वो वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल फीमेल कैरेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं, समझे। तो इस वजह से जो उनको खुद प्रॉब्लम होती थी, तो भैया वो तो इसके रचयिता हैं और हम तो खुद इंसान हैं और खुद हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमें तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तुम कह सकते हो मैंने इतने ज़्यादा टेक्स ले रखे हैं, मैं क्या बोलूँ यार, डेढ़ घंटे से सिर्फ वॉइस ही दे रहा हूँ और बस इतना ही वॉइस हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद चलते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर बोआ हैनकॉक हमारी कितनी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक है, ठीक है। तो बोआ हैनकॉक की अगर हम लोग डेविल फ्रूट की बात करें, तो वो है लव लव फ्रूट, जो कि उसे पावर देता है किसी को भी पत्थर बनाने की। हाँ, ये एक स्नेक प्रिंसेस है और ये किसी को भी पत्थर बना सकती है, जो जिसके अंदर भी इसे देख के फीलिंग जग जाए। मतलब अगर मैं जैसे बोला कि इसके खूबसूरती को देख करके मुझे प्यार हो गया, इससे ये मुझे पत्थर बना सकती है अपने लव लव बीम को यूज करके। या फिर उसके अलावा ये एक एरो टाइप का यूज करती है, जो जिससे भी लगने से वो भी पत्थर बन जाता है। और ये फॉर्मर वॉरलॉर्ड है, क्योंकि अगर हम लोग करंट मांगा के हिसाब से जाएं तो अभी वॉरलॉर्ड सिस्टम बंद हो चुका है, लेकिन अगर हम लोग एनिमे के हिसाब से देखें, अभी जो करंट एनिमे चल रहा है, तो उस हिसाब से देखें जाए तो अभी भी बोआ हैनकॉक जो है वॉरलॉर्ड है, ठीक है। तो मान लेते हैं एनिमे के हिसाब से अभी भी बोआ हैनकॉक वॉरलॉर्ड है, ठीक है। और बोआ हैनकॉक की अगर हम लोग पावर की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एक वॉरलॉर्ड है। और इसकी बाउंटी जो है बहुत कम है, 80 मिलियन बाउंटी है सिर्फ, लेकिन मैं मानता हूँ ये जो है 300 या 400 मिलियन बाउंटी तो ये आराम से रखती है, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है। और बोआ हैनकॉक जो है, मतलब अगर इसके डेविल फ्रूट की बात करें, तो इसका डेविल फ्रूट इतना ज़्यादा, मतलब इस टाइप का है ना कि सी प्रिजन स्टोन भी इसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये सी प्रिजन स्टोन से बने हुए जो लोहे के, जो ये क्या बोलूँ, वो जो स्मोकर जो वाला यूज करता है, उसे ये एक किक में मतलब उसे तोड़ सकती है, जो कि सी प्रिजन स्टोन, जिसे अगर लूफी अगर पकड़ ले तो वो कमज़ोर हो जाता है, लेकिन अगर बोआ हैनकॉक उसे किक कर दे तो वो पूरा का पूरा पत्थर बनकर टूट जाता है, समझा। तो भाई एक तरह से कह लो बोआ हैनकॉक के आगे कोई सी प्रिजन स्टोन भी काम नहीं करता, वो किसी को भी पत्थर बना सकती है।
और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें पैसिफिस्टा की, जो कि रोबोट है, और वो जो है अकेला रोबोट, तुम्हें याद होगा जो सैबोडी आर्क में, शायद हाँ सैबोडी आर्क में आया था पहली बार, जिसने जो पूरा का पूरा स्ट्रॉ हैट का गांड मार के रख दिया था, लेकिन वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये अकेले मतलब दो किक में उन्हें गिरा सकती है। जैसा कि अगर तुम्हें याद होगा न्यू वर्ल्ड में इंटर करने से पहले 2 साल बाद जब लुफी जो ट्रेनिंग करके आया था, तो उसके बाद जिस तरह से PX5 और PX4 का जो बुरा हाल किया था लुफी ने हाकी सीखने के बाद, सेम हाल बॉ हैनकॉक जब मरीन फोर्ड में कर चुके, तो तुम उस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि बॉ हैनकॉक कितनी ज़्यादा पावरफुल है। मतलब बॉ हैनकॉक लिटरली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर तो है ही। मैं इसे मानता हूँ कि जो कूजा पायरेट क्रू है वो बिग मॉम पायरेट क्रू के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीमेल पायरेट क्रू, मैं इसे मानता हूँ। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बॉ हैनकॉक की, तो बॉ हैनकॉक जो है लुफी के लिए अपनी जान तक दे सकती है। अगर कल को अगर दरकार पड़ जाए कि फ़ाइट करना है, तो वो लुफी के साइड से ही फाइट करेगी, चाहे उधर मरीन हो जो, वो कुछ नहीं देखेगी। और बॉ हैनकॉक जो मतलब यार, बॉ हैनकॉक की बाउंटी कम होने का सबसे बड़ा रीज़न मैं एक चीज़ मानता हूँ कि वो किसी के तरह से ब्लैक मार्केट को नहीं चलाती है। वो आराम से बस उसका वॉरलॉर्ड बनने और पायरेट बनने का मेन रीज़न यही है कि उसके पीछे कोई भी मरीन ना पड़े, क्योंकि वो जो अपने सारे अमेजोन लिली के जो फीमेल्स हैं उनको जो प्रोटेक्ट करना चाहती है, बस यही रीज़न है उसका, और इस वजह से जो है वो वॉरलॉर्ड बनी है। सो गाइज, आई होप तुम्हें जो वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और तुम्हें पता चल गया होगा कि बॉ हैनकॉक कौन है, उसके पास किस किस टाइप का डेविल फ्रूट पावर है और वो क्या क्या कर सकती है। सो आओ फाइनल बात करते हैं। और अगर तुम मुझसे पूछो कि अभी का टाइम अगर मान लेते हैं कि किसी तरह से मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, वो तुम्हें इस तरीके से बता रहा हूँ कि अभी का टाइम मान लेते हैं अगर वो लुफी के क्रू को ज्वाइन करती है, और लुफी अभी 5th योंग है, तो अगर लुफी का क्रू को वो ज्वाइन करती है और लुफी 5th योंग है, तो उसकी रैंकिंग क्या होगी उसके क्रू में स्ट्रांग के मामले में जाए, तो मेरे हिसाब से वो लुफी का 3rd स्ट्रांगेस्ट मेंबर होगा, सॉरी होगी, क्योंकि 2nd में तो जोरो आता है, 3rd पे मतलब 1st पे जोरो आता है मेंबर में अगर जाएं तो, 2nd में सांजी आता है और 3rd में उसके बाद बॉ हैनकॉक ही होगी। हाँ, जिनबे नहीं होगा, वो जिनबे से मैं उसे स्ट्रांग मानता हूँ और मानता रहूँगा, क्योंकि उसके पास जिस तरह से उसका जो डेविल फ्रूट पावर है ना यार, वो ही उसको मतलब बहुत स्पेशल बना देता है। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी फीलिंग है, तुम्हें वो पत्थर बना देगी, और उसके पास ऐसा पावर है कि वो किसी भी चीज़ को जब भी किक करती है वो भैया पत्थर बन जाएगा और उसे तोड़ देती है, तो उसके किक भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ऊपर से उसे जो तीनों टाइप्स की हाकी आती है, आर्मामेंट हाकी, ऑब्जर्वेशन हाकी और ऊपर से कॉन्करर हाकी, तो इस हिसाब से देखने जाए तो भैया बॉ हैनकॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आई होप तुम्हें जो है वीडियो में पता चल गया हो कि बॉ हैनकॉक कितनी ज़्यादा पावरफुल है, और वो अगर फ्यूचर में तो कभी मुझे जहाँ तक लगता है वो लुफी के क्रू को ज्वाइन नहीं करेगी, क्योंकि उसका खुद का क्रू है, लेकिन अगर वो लुफी के क्रू को कभी ज्वाइन करती तो वो किस रैंक पे होती अगर पावर लेवल की बात की जाए। वो जिनबे से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं अभी भी मानता हूँ और हमेशा मानता रहूँगा। तो गाइस, यहीं तक था आज का वीडियो, आई होप तुम्हें जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अच्छे से पता है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर ऑन करना, और साथ ही तुम्हारे जितने भी वन पीस फ्रेंड्स हैं, जो वन पीस के फैन हैं, उन्हें ये वीडियो शेयर करना है, हमारी फैमिली को आगे बढ़ाना है। सो गाइस, यहीं तक था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।